हे वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो गाइस इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये जो सेंटी लोकोमोटिव है इसको क्या हम आरसी में कन्वर्ट करने वाले हैं एज इट इज़, जैसे कि हम लास्ट में ये वाला करके दिखाया था, इस रेल किंग के इंजन को आरसी में कन्वर्ट करके दिखाया था। ऐसे ही करके हम सेंटी लोकोमोटिव को भी आरसी में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो गाइस प्रोसेस बिल्कुल भी सेम रहने वाला है, लेकिन हाँ इसका बॉडी डिज़ाइन अलग है, तो जुगाड़ भी कुछ अलग करना पड़ेगा, ताकि इसका जो मदरबोर्ड है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो नहीं लगा सकते जैसे कि हम इसमें लगाया था, इसके बैक साइड में खाली था, तो यहाँ पे मैंने इसका मदरबोर्ड लगाया था, तो कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा इसका जो मदरबोर्ड है इसके अंदर लग जाए। तो गाइस यही करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो पर बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेन को डिसअसेंबल करना पड़ेगा। इसका जितने भी पार्ट है मैं अलग अलग कर दूंगा, तो फटाफट से इसे डिसअसेंबल कर लेते हैं। जितने भी पार्ट है तो उसे अलग अलग कर लेंगे, जैसे कि देख सकते हो मैं मोटर भी निकाल रहा हूँ, जितने भी ग्लू है वायरिंग है सब एकदम सेपरेट कर दूंगा। तो फटाफट से सेपरेट करके मिलता हूँ आपसे। तो गाइस आरसी ट्रेन बनाने के लिए मैं ये वाला मदरबोर्ड का यूज़ करूँगा, और ये जो कार है इसका अनबॉक्सिंग भी जल्द से जल्द आ जाएगा ये वीडियो आने के बाद। तो फटाफट से ट्रेन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर आपको जानना है कि मदरबोर्ड की वायरिंग कैसे करते हैं आरसी ट्रेन में, तो मैंने इस वाले वीडियो में वेल डायग्राम के साथ समझा रखा है, तो आप यहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो, जो कि मैं आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आप तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कैसे आपको मदरबोर्ड की वायरिंग करनी है ट्रेन में। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मदरबोर्ड का प्रॉपर कनेक्शन कर दिया हमने ट्रेन के साथ। मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, जो देख सकते हो मदरबोर्ड का जो क्या मोटर की वायरिंग है जो मैंने मोटर के साथ जोड़ रखा है, और इसका जो पॉजिटिव वायर है जो मैंने स्विच के अंदर जोड़ दिया यहाँ पे, और इसका जो ये वाला सेक्शन है ये डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, और ये रहा नेगेटिव पॉइंट जो बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट है यहाँ पे, और ये जो रजिस्टर देख रहे हो आप ये लाइट का रजिस्टर है, क्योंकि बहुत ही लो वोल्टेज सपोर्ट करता है इस ट्रेन का जो लाइट है, और ये पूरा ओपन सोर्स है, इस वजह से यहाँ पे क्या मास्किंग टेप लगा रखा है मैंने, और इसका जो लाइट का जो नेगेटिव वायर है वो डायरेक्ट नेगेटिव के साथ कनेक्ट है यहाँ इसके अंदर इसके साइड, और ये ब्लैक वाला वायर जो देख रहे हो ये है एंटीना का वायर। तो गाइस कनेक्शन हो गया, एक बार मैं मदरबोर्ड एक बार लगा के दिखा देता हूँ कैसे आपको मदरबोर्ड लगाना है ट्रेन के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने कट कर दिया पूरा क्योंकि इसके वजह से, तो एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइस ये वाला मदरबोर्ड ना एकदम परफेक्ट है इस ट्रेन को आरसी में कन्वर्ट करने के लिए, मैं दिखा देता हूँ कैसे। तो यहाँ पे मैंने मदरबोर्ड लगा दिया, देख सकते हो एकदम प्रॉपर अच्छे से फिट हो चुका है इसके अंदर। तो हमें क्या करना है, सही सब फिटिंग करना है इसमें, तो मैं फिटिंग करके आपसे मिलता हूँ। उससे पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ ये चलता है या नहीं। तो ये रहा इसका पावर बटन, इसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ऑरेंज एलईडी और येलो एलईडी हमारा ग्लो कर रहा है। देन ये रहा हमारा रिमोट, इसे प्रेस करूँगा तो वो चलने लगेगा। तो गाइस फटाफट से इसे असेंबल करके मैं मिलता हूँ आपसे। तो गाइस ट्रेन को असेंबल करने के बाद अचानक ट्रेन का हेडलाइट जो है फूक गया था, तो मैंने दोबारा सा इसे खोल लिया है ट्रेन को, और यहाँ पे देख सकते हो इसका जो हेडलाइट है वर्क नहीं कर रहा, और ऊपर से मैंने देख सी जो नॉर्मल एंटीना है वो भी चेंज कर दिया है थोड़ा बहुत। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका जो हेडलाइट है इसे चेंज करने वाला हूँ। तो फटाफट से इसका हेडलाइट हम चेंज कर लेते हैं। तो गाइस इसमें मैं ये वाला हेडलाइट लगाने वाला हूँ जो मैंने सेपरेटली परचेस किया है एलईडी का पैकेट। इस बार हम कुछ अलग करने वाले हैं, तो इसमें क्या मैं वाइट कलर का एलईडी लगाऊंगा जो कि 3 mm की साइज में है। तो गाइस फटाफट से ये लाइट मैं लगा देता हूँ इस ट्रेन में, आगे का प्रोसेस देखिए कैसे लाइट आपको लगाना है।
तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मदरबोर्ड को दोबारा असेंबल कर लिया है एलईडी को लगाने के बाद। तो मैंने गन ग्लू का इस्तेमाल भी किया है ताकि इसका जो वायर है अच्छे से फिक्स हो जाए, हिले ना। आप साइड बाई साइड देख सकते हो, और इसके देख सकते हो अंदर मैंने जो एंटीना लगाया था ना एक्सटर्नल, वो फोल्ड करके एकदम कोने में लगा दिया मैंने। एक सेकंड दिखा देता हूँ मैं आपको, ये एकदम कोने में जो शाइनिंग आ रहा है ना वहाँ पे। तो फटाफट से हम असेंबल कर लेते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो मदरबोर्ड के बीच में कट्स लगा दिया ताकि ट्रेन का जो एक्सेल है सही से फिट हो जाए। वो एक्सेल के बीच में आ रहा था तो मैंने वहाँ पे कट कर दिया है। तो लगा देता हूँ स्क्रू इसमें फटाफट। तो गाइस यहाँ पे हो जाता है हमारा आरसी ट्रेन बनकर रेडी। अब देख सकते हो इसका एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है इसका इंजन, और वाइट लाइट के साथ एकदम खतरनाक लुक आ रहा है इसका। तो कमेंट सेक्शन में बताना गाइस वाइट लाइट के साथ आपको कैसे लग रहा है ये। अब चलते हैं टेस्ट करने बाहर। चार चला तो
तो गाइज़ आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। फिर मिलते हैं ऐसे किसी मस्त टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।